उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो आज की रेसिपी व्यूअर्स आपके लिए हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनने वाली है, और ये इसे हम ब्रेकफास्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, या हल्की फुल्की जब भूख होती कुछ और खाने को दिल नहीं चाह रहा होता उस वक्त भी बना सकते हैं, या इवनिंग टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इसे ले सकते हैं, और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने जी ये तीन ब्रेड्स ली हैं और इसको इस तरह स्केयर कटिंग इसकी कर ली है। इस रेसिपी के लिए 1 टेबलस्पून पानी, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने दूध लिया है, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी ली है, और 1 टेबलस्पून मुझे देसी घी चाहिए था। देसी घी थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा मक्खन था मेरे पास, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैंने लिया है। तो चलते हैं जी अपनी बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर ली है और पैन हमारा हो रहा है जी गर्म। ये हमने ब्रेड इसमें ड्राई रोस्ट करनी है, उस वक्त ड्राई रोस्ट करनी है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ये लाइट ब्राउन भी हो गए हैं और क्रिस्पी होने तक हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको डालते हैं अलग एक बॉल में और फिर अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चीनी शामिल करेंगे, पानी शामिल करेंगे, शुगर हमारी कैरामिल हो गई है, अब इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन प्लस देसी घी। और साथ ही ये 4 टेबलस्पून दूध इसमें शामिल कर देंगे, रोस्ट ब्रश शामिल कर देंगे और उसको जल्दी जल्दी इस तरह हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह इनकी कोटिंग हो जाए। चलिए जी ये अच्छी तरह कोटिंग हो गई है इनकी, तो अब हम फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको फैलाते हैं एक ट्रे में। इनको इस तरह अलग अलग कर देंगे अच्छे से, ये ठंडे हो जाएं, फिर इसके बाद आपको इसकी पोजीशन चेक करवाएंगे। ये देखें ये ठंडा हो गया और इसके अब साउंड करते हैं। तो इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है कि जब आप ट्राई करोगे ये बनाओगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।